गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में केवल विषय क्षेत्र का, आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अब अर्थशास्त्र की प्रकृति का मतलब है अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है, मीन्स अर्थशास्त्र क्या, अर्थशास्त्र विज्ञान है। सेकेंड क्वेश्चन फिर हमारे माइंड में आता है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वो आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या अर्थशास्त्र कला है या फिर क्या अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में भी, जिस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है, उसी तरह से अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ अर्थशास्त्री इसे कला मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान मानते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में देखने से हम कह सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान का वह भंडार है जिसमें शाश्वत अवलोकन तथा प्रयोग के द्वारा कारण और परिणाम का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान में क्रमबद्ध ढंग से तथ्यों का एकीकरण होता है, जैसे उनका वर्गीकरण और विश्लेषण भी क्रमबद्ध होता है। जैसे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में क्रमबद्ध ढंग से एकीकृत एवं वर्गीकृत किया गया है। अब हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की भांति ही अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र के कुछ नियम हैं, सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग एवं पूर्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम तथा जनसंख्या सिद्धांत आदि, इनमें कारण और परिणामों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। फिर अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति ही प्रयोग संभव है, जिसे मुद्रा के मापदंड से किया जाता है और तथ्यों की सत्यता परखी जाती है। यद्यपि अर्थशास्त्री एक वैज्ञानिक की भांति नियंत्रित प्रयोग तो नहीं कर सकता, पर फिर भी बाजार रूपी प्रयोगशाला में निरीक्षण और परीक्षण से सामान्य निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति ही आर्थिक नियमों और सिद्धांतों की सत्यता की जाँच की जा सकती है। उसी तरीके से जिस प्रकार से हम विज्ञान के बेस पर भविष्यवाणी संभव है, वैसे ही अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी संभव है। जैसे हम देखते हैं कि फसल संबंधी या उत्पादन संबंधी भविष्यवाणियां प्राय की जाती है, अतः कुछ अर्थशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं इन तथ्यों के आधार पर। इसी तरह से कुछ अर्थशास्त्री इसे नकारते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती। आर्थिक नियम परिमाणात्मक नहीं होते हैं। इस तरीके से कुछ उन्होंने तर्क दिए हैं जिनके आधार पर वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब जब हम ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है और आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है। वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन कर तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। यह अमुक कारण का अमुक परिणाम है या अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा का अध्ययन करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वह परिणाम अच्छा है या बुरा तथा क्या परिणाम होना चाहिए। ये सब विज्ञान के, वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। अर्थात वास्तविक विज्ञान का संबंध केवल क्या है से है। इसी तरह से हम आदर्श विज्ञान की बात करें तो आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से होता है। अर्थात आदर्शात्मक विज्ञान कारण और परिणाम के संबंधों में उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, अच्छे बुरे का भेद बताता है। इस प्रकार आदर्श विज्ञान
या नीति प्रधान विज्ञान का कार्य वस्तु स्थिति के अध्ययन के बाद उसके संबंध में निर्णय भी देता है कि इसमें क्या दोष है या इन दोषों को कैसे दूर करना चाहिए। इसीलिए अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान का संबंध क्या है से है और आदर्शात्मक विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से है। अर्थशास्त्र की प्रत्येक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है, क्योंकि वह आर्थिक घटनाओं के कारण एवं परिणामों का क्रमबद्ध ढंग से संबंध स्थापित करता है और उसका ठीक ठीक विश्लेषण करता है। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों में मतभेद इस प्रश्न पर भी है कि क्या अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू भी है। अतः कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त आधुनिक युग के अर्थशास्त्री जैसे हार्ट्री, वूटन, फ्रेजर आदि भी अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने का दावा करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर हार्ट्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं रह सकता, उसे व्यवहारिक पक्ष पर उचित अनुचित का निर्णय करना पड़ता है। इसके अभाव में ये केवल मानसिक व्यायाम तथा ज्ञानदायक विज्ञान ही रह जाएगा। इसी तरह से मार्शल ने भी कहा है कि यदि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण में वृद्धि के कारणों का अध्ययन न करे तो ये व्यर्थ एवं निष्फल होगा। इन सब विचारों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थशास्त्र से अगर आदर्शात्मक पहलू को अलग कर दिया जाए तो वह व्यर्थ एवं निष्फल शास्त्र हो जाएगा। इसीलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्शात्मक पहलू भी है। अब हमने ये समझ लिया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, साथ ही वो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या अर्थशास्त्र कला है? अर्थशास्त्र को कला मानने और न मानने के बीच में भी अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहा है। अब सबसे पहले जैसा कि हम देखेंगे कि कला क्या है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है, अर्थात किसी कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया ही क्या है, कला है। अब कला होने के संबंध में जो मतभेद रहे हैं वो है, अर्थशास्त्र को कला मानने व न मानने के संबंध में एडम स्मिथ, रिकार्डो, मील, मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते थे तथा कला के रूप में उसका उपयोग देश एवं समाज की अनेक आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक हल के लिए करते थे। जबकि दूसरी ओर वालरस, सीनियर, कुर्नोर, सुम्पीटर तथा रोबिन्स आदि अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते थे। लेकिन आजकल ये मत प्रबल हो गया है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में केवल आर्थिक समस्याओं का विशुद्ध विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि वह व्यवहारिक समस्याओं के हल भी प्रस्तुत करता है। इस कारण से अर्थशास्त्र एक कला भी है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाए रखता है। कला और विज्ञान एक दूसरे से भिन्न है, जैसे विज्ञान जानकारी प्रदान करता है और कला करने के ढंग को बतलाती है। समस्याओं की प्रकृति विशुद्ध आर्थिक नहीं होती है, अर्थात कोई भी समस्या विशुद्ध आर्थिक समस्या नहीं होती है। उन पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिस्थितियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसीलिए अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अतः सारांश में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि आदर्श विज्ञान भी है। आधुनिक युग में व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बढ़ते हुए महत्व तथा आर्थिक नियोजन की प्रधानता से अर्थशास्त्र को सिद्धांत प्रतिपादन के रूप में विज्ञान तथा इन सिद्धांतों को व्यवहारिक उपयोग में लेने की प्रक्रिया को कला के रूप में देखा जाता है। थैंक यू।